Assalamualaikum दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको शाम दीप कहता हूं। दोस्तों उम्मीद करते हो कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो को जरा ध्यान से देख लें, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पे हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की जानिब से जारी करदा अपडेट के हवाले से कि क्या अपडेट जारी हुआ है, कौन सी गलतियां अगर आप करते हैं तो सऊदी अरब में क्या क्या होने वाला है। वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। लेकिन इससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, फिलहाल आप कौन से मुल्क से जो है वो ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मुल्क में ईद कब जो है वो मनाई जा रही है? क्योंकि स्पेशली अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, कुछ ना कुछ ऐसे बातें चल रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि जुम्मे को, कुछ लोग कह रहे हैं कि हफ्ते को, लेकिन आप मतलब कौन से मुल्क से मतलब वीडियो देख रहे हो और आप कब ईद जो है वो मनाओगे, जरा नीचे कमेंट बॉक्स करके मुझे कमेंट करके लाजमी से बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कौन से मुल्क से लोग देख रहे हैं। अब दोस्तों बात करने वाली कि सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जारी करदा अपडेट के मुताबिक, दोस्तों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से अपडेट जारी किया गया है कि अगर आप इस ईद पर मतलब ईद उल अज़हा पे जो मैयर्स हैं, जो सिक्योरिटी मैयर्स हैं, जो एहतियाती तदाबीर है, अगर आप उनको फॉलो नहीं कर दें तो इसके नतायज बहुत ही संगीन हो सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा क्या संगीन हो सकते हैं कि सऊदी अरब में फिर से लॉकडाउन हो जाए, फिर से कर्फ्यू लगा दिया जाए, इससे ज़्यादा तो हालात और संगीन नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर बात करने का मकसद ये है सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक, सिर्फ और सिर्फ बात करने का मकसद ये है, उनके अपडेट का मकसद ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती तदाबीर को जो है अपनाने हैं। 50 से ज़्यादा लोग जो है वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, मतलब जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जो सिक्योरिटी मैयर, जो है एहतियाती तदाबीर उन्होंने बनाए हैं, अगर आप उनको स्ट्रैक्टली फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई भी मसला नहीं आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया किसी भी स्टेप को उठाने से गुरेज नहीं करेगा जो उनके फायदे के लिए हो, मतलब उनसे 1% का भी फायदा हो तो वो स्टेप जरूर उठाते हैं। तो अगर आप भी इस ईद पर हिफाजती तदाबीर को नहीं अपनाते, उनको फॉलो नहीं करते, उनको स्ट्रिक्टली नहीं अपनाते, तो हो सकता है मैं भी इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ये चांसेस इसलिए भी बढ़ गए हैं क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से अपडेट जारी हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है एहतियाती तदाबीर अपना लीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए जो सिक्योरिटी मैयर्स हैं, जो एहतियाती तदाबीर उन्होंने बनाए हैं, उनको जो है वो फॉलो कर लीजिए, उस पर अमल कर लीजिए। तो मैं मतलब आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।